हेडिंग करोगे तो लोग राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में तो लोगों पहले भी बताए हुए हैं, कहाँ पे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब पढ़ाए थे तब, अंतःप्रद्रवी जालिका बताए थे ना, तो वहीं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बताए थे कि जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होता है उसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, बोले थे। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम है इसीलिए वहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है, ऐसा बोले थे ना। और जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं है वहाँ पे प्रोटीन नहीं बनता है, तो क्या बनता है वहाँ पे? वसा, लिपिड। ठीक है, तो इतना तो मालूम है कि राइबोसोम जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाता है और प्रोटीन बनाने का काम करता है, इतना बात हम लोगों को पहले से पता है। अब आगे इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले फिर से एक डायग्राम बनाएंगे। तो लोग बोले हैं कि जब भी हम लोग सेल में कुछ भी पढ़ेंगे तो पहले एक डायग्राम बनाएंगे, बिना डायग्राम का कुछ नहीं, बायोलॉजी में बिना डायग्राम का कुछ हो ही नहीं सकता है, चाहे तुम किसी भी लेवल का बायोलॉजी पढ़ो, बिना डायग्राम का कुछ नहीं बताया जाएगा। तो यहाँ पे ये हमने बना दिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बात नहीं करो, ये एक सेल हो गया नॉर्मल। इस सेल के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कुछ ऐसे गोल गोल संरचना पाई जाती है, ठीक है, यही गोल गोल संरचना क्या है जी? राइबोसोम है। ध्यान रखना कि ये राइबोसोम जो है ना, ये मेम्ब्रेन लेस यानी कि झिल्ली विहीन कोशिकांग है, हम लोग यही ना पढ़ रहे हैं जी, झिल्ली विहीन कोशिकांग पढ़ रहे हैं। तो जैसे सेंट्रोसोम झिल्ली विहीन कोशिकांग है, उसी तरह से राइबोसोम जो है ये भी क्या है? झिल्ली विहीन कोशिकांग है। क्या है? तो झिल्ली विहीन कोशिकांग है, यानी कि इसमें झिल्ली नुमा संरचना नहीं होती है, ठीक है, ये इतना बात है। अब देखो, ये राइबोसोम बहुत ही छोटा कण है, इसको ऐसे सामान्य से सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है, कोई सामान्य से सूक्ष्मदर्शी ले करके, कहने का मतलब लाइट माइक्रोस्कोप ले करके अगर देखने की कोशिश करोगे ना तो शायद दिखाई नहीं दे, इतना छोटा होता है। तो इसको देखने के लिए तुम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो लोगों को पहले के बताए हैं, बताए थे माइक्रोस्कोप जब बताए थे तब, कि माइक्रोस्कोप क्या है, हम पहले तो लोग बताए हैं माइक्रोस्कोप के बारे में, याद है कि माइक्रोस्कोप जो है एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, किसी छोटी से छोटी वस्तु को उसके वास्तविक आकार से बहुत बड़ा करके दिखाता है, वो माइक्रोस्कोप है। और बोले थे कि माइक्रोस्कोप कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, कौन कौन से? लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर बोले थे कि लाइट माइक्रोस्कोप भी दो प्रकार के, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा कंपाउंड। सिंपल माइक्रोस्कोप उसको कहेंगे जिसमें सिंगल लेंस होते हैं, एक लेंस होता है, जैसे तुम्हारे ज्योमेट्रिकल बक्स में एक लेंस होता है ना, हैंड लेंस, वो सिंपल माइक्रोस्कोप का एक नमूना है, ठीक है। और तुम्हारे स्कूल में देखा होगा तो लोग कि एक ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जिसमें आईपीस और ऑब्जेक्टिव दो लेंस होते हैं, तो वो कंपाउंड हो गया। और एक वो माइक्रोस्कोप जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, इलेक्ट्रॉन बिंब के हेल्प से चलेगा, इलेक्ट्रॉन बिंब के मदद से वो फोटो लेने की कोशिश करता है, उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बड़े बड़े रिसर्च सेंटर में होते हैं, सभी जगह पे नहीं मिलते हैं ये, ठीक है, ये सारी बात तो लोग हम बता दिए थे। तो वही कह रहे हैं कि ये सब क्या है, तो ये जितने दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये सब क्या है? राइबोसोम है, ठीक है। तो राइबोसोम रियल में है क्या, तो लिख सकते हैं मेम्ब्रेन लेस
सेल ऑग्नलीज है। ठीक है, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑग्नलीज है। राइबोसोम क्या है? तो मेम्ब्रेनलेस सेल ऑग्नलीज, यानी कि कहेंगे कि झिल्ली विहीन कोशिकांग, इसके चारों तरफ झिल्ली नुमा संरचना नहीं होती है। ठीक है, और ये राइबोसोम सभी प्रकार के कोशिका में पाई जाती है, जितने भी प्रकार के कोशिका संभव है सब में पाई जाती है, जैसे प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सब में ये पाई जाती है। ठीक है, और ये बहुत ही छोटी होती है, ये मतलब कि सेल ऑर्गेनेल्स बहुत ही छोटी होती है, जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैली हुई रहती है। साइटोप्लाज्म को हिंदी में क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य, यही कहेंगे ना। तो ये ऐसी कोशिकांग है जो साइटोप्लाज्म में फैली रहती है, लेकिन इसकी कुछ मात्रा, इस डायग्राम में देखो, इसकी कुछ मात्रा केंद्रक झिल्ली के चारों तरफ लगी हुई है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में फैली होती है, लेकिन कुछ मात्रा क्या है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पे पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर पाई जाती है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे इसकी कुछ मात्रा पाई जाती है, और कुछ मात्रा कहाँ मिलती है? तो रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, यही ना। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देखो तो ये राइबोसोम कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों तरफ पाई जाती है, पूरे साइटोप्लाज्म में भी ये फैले रहती है। ये नहीं दिखा पाए तो पूरे साइटोप्लाज्म में से दिखा सकते हो कि पूरे साइटोप्लाज्म में ये फैली हुई रहती है। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी चिपकी हुई रहती है, और इसकी कुछ मात्रा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी पाई जाती है। ठीक है, अब देखो ये राइबोसोम करता क्या है? तो राइबोसोम का मेन काम क्या है? तो प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब समझते हो? सिंथेसिस मतलब बनना या बनाना, सिंथेसिस करना मतलब बनाना। ठीक है, तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस करने में मदद करता, प्रोटीन के सिंथेसिस में ये भाग लेगा। सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया? बनना। ठीक है, मतलब प्रोटीन को बनने में ये क्या करता है? भाग लेता है, इसीलिए इसे प्रोटीन बनाने की मशीन भी कहेंगे। राइबोसोम को प्रोटीन बनाने की मशीन भी कहेंगे। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम के द्वारा ही प्रोटीन बनते हैं। इतना बात हो गया। अब देखो ये राइबोसोम जो है, इसके दो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के दो प्रकार कौन कौन से? तो एक होता है 70S, सुनोगे, एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S। ठीक है, एस जो है यूनिट है राइबोसोम का। ठीक है, एस क्या है? यूनिट है। तो 70S और 80S राइबोसोम के दो टाइप हो गई। अब देखो ये 70S कहाँ पाया जाएगा? तो ये जो है प्रोकैरियोट में, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट ही है। ठीक है, ये 70S जो है देखो 70S राइबोसोम जो है ये कहाँ पाई जाती है? तो प्रोकैरियोट में। अब जिसको प्रोकैरियोट के बारे में नहीं पता है उसको दिक्कत होगा। ये कहाँ पाई जाती है? प्रोकैरियोट में। और प्रोकैरियोट का एग्जांपल क्या होता है? बैक्टीरिया। जितने बैक्टीरिया है सब के सब क्या है? प्रोकैरियोट है। ठीक है, और देखो ये 70S जो है ना, इसके दो सब यूनिट होते हैं, इसके दो सब यूनिट होते हैं, मतलब दोनों के होंगे, 70S के भी और
एटीएस के भी यूनिट हो गए, ठीक है, तो इसके दो सब यूनिट होंगे। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है 50S और दूसरा होता है 30S। देख लो, इसके दो सब यूनिट हुए 50S और 30S, और ये दोनों मिल के 80S नहीं बनाएगा, 70S बनाएगा। 80S नहीं बनाया है, 70S बनाया है। अभी कैसे हुआ भाई? तो मैथ यहाँ फेल हो गया। तो मैथ फेल नहीं हुआ है, देखो यहाँ पे सुनो सुनो, ये राइबोसोम का डायग्राम बनाते हो ना, तो राइबोसोम कैसे दिखाई देगा? इसका एक छोटा पार्ट है जो कि ऐसे रहेगा, हाँ मैथ नहीं पढ़ रहे हो ना, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, क्यों असतर होगा बता रहे हैं। देखो तो यहाँ पे जो है ये इस तरह का संरचना होगा राइबोसोम, एक छोटा हो गया और एक ऐसे बड़ा हो गया, ठीक है, दो दो इसके खंड दिख रहे हैं ना, तो ये वाला हो गया तुम्हारा 30S और ये हो गया 50S, ठीक है। ये रियल में ये जो खंड है ना, ये किसके बने हैं? तो प्रोटीन और आरएनए से बने हैं। ये जो इकाई है ना, ये इकाई किसके बने हैं? प्रोटीन और आरएनए से बने हैं, जिसमें हम प्रोटीन के जो मतलब कि अमीनो एसिड है। अब ये अमीनो एसिड क्या है देखो हम बता रहे हैं। सबसे पहले एक बात हो गया प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ क्या है? आरएनए। इन दोनों के मिलने से बना है राइबोसोम, मतलब राइबोसोम नहीं बल्कि ये इसका एक यूनिट बना है इन दोनों के मिलने से, जिसमें से ये प्रोटीन रियल में है क्या? तो जैसे हम लोग गले में माला पहनते हैं ना, छोटे छोटे मतलब कि मोतियों के, तो ये जो छोटी छोटी मोती जो है, मतलब माला जो है हम लोग का, इसी तरह से प्रोटीन होता है। जैसे हमारे गले में माला होता है मोतियों के, वैसा ही प्रोटीन होता है ऐसे, ठीक है। ये क्या है? एक प्रोटीन का भाग है। ये क्या है? एक प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन जो छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है, तो इस छोटे खंड को क्या कहते हैं? एमिनो एसिड। इस छोटे खंड को क्या कहेंगे? एमिनो एसिड, ध्यान रखना। तो ये प्रोटीन जो है एक क्या है? माला जैसा, एक मतलब कह लो कि एक धागा है। प्रोटीन जो है एक धागा है जो एमिनो एसिड से बना है। तो इसमें भी प्रोटीन है तो एमिनो एसिड है, इसमें भी प्रोटीन है तो एमिनो एसिड है। लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पे जो ये आपस में जुड़े हैं ना, तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो एमिनो एसिड है वो एक दूसरे से सट गया है, जिसकी काउंटिंग तुम नहीं कर पाओगे। जो बाहर दिख रहा है उसी की काउंटिंग करोगे, तो जो आपस में चिपका है उसकी काउंटिंग नहीं करोगे, आ उसी में वो 10 खत्म हो गया, लिखे है ना 50 और 30। तो ये 50 और 30 में को जोड़ने पे यहाँ पे 80 आएगा, मतलब कि 50 और 30 जोड़ोगे तो 80 आएगा, लेकिन यहाँ 70 लिखे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किनारे किनारे पे जब जो मतलब किनारे किनारे पे देखोगे ना, तो किनारे किनारे पे जितना एमिनो एसिड दिखेगा, मतलब ग्रुप में जब है 70S जब है, तो मतलब 70S जब है, तो इसको जब माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो इसमें कितने एमिनो एसिड दिखेंगे? केवल 70 दिखेंगे। 70S जो है ना, उसको जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो केवल 70 एमिनो एसिड दिखेंगे, लेकिन उसी को जब तोड़ दोगे तो उसी के एक खंड में 50 दिखेंगे और एक में 30 दिखेंगे, और फिर जोड़ोगे तो फिर 70 दिखेंगे। यानी 10 जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल जा रहे हैं, जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, समझे। यानी कि ये पेन की बात कर लो, और समझने की कोशिश करो, इस पेन की बात कर लो, इस पेन की लंबाई कितनी है? एक कोई अपना पेन दो ढक्कन वाला, देखो यहाँ पे इस पेन की लंबाई देखो, नहीं देख लो बस,
देखो इस पेन की लंबाई यहां से यहां तक है ना। अब इसमें देखो केवल ढक्कन की लंबाई देखो, यहां तो केवल ढक्कन की लंबाई, ये पेन का लंबाई रहा पहले ढक्कन के साथ, अब अलग ढक्कन कर लिए तो केवल ढक्कन का लंबाई इतना हो गया, कैप का लंबाई इतना हो गया। अब पेन का लंबाई देखते हैं, दो जी देखो यहां पे, देखो तो यहां पे अब पेन की लंबाई कितनी हो गई, यहां से यहां तक हो गई। लो ये केवल कैप की लंबाई और ये पेन की लंबाई, आ दोनों को जब मिला दे रहे हैं तो इतना ही, पूरा कैप और पेन आपस में मिल रहा है तो इतना लंबाई यानी ऊपर वाला मिल रहा है, आ दोनों को अलग अलग कर रहे हो तो ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। उसी तरह से जैसे कि ये जब आपस में मिला रहे हो तो इसका कैप जो है, कैप और पेन का कुछ भाग आपस में मिल जा रहा है ना, अंदर चला गया, अब इसका लंबाई इतना हो रहा है। उसी तरह से 50S और 30S ये जब आपस में मिलेंगे ना तो इनके अमीनो एसिड कुछ आपस में मिक्स हो जाएंगे जो हम काउंटिंग नहीं कर पाते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। तो जब दिखाई नहीं देंगे तो उनको जब दिखाई नहीं दे तो छोड़ देंगे, और जो दिखेंगे वो कितना दिखेंगे, 70 दिखेंगे। तो जब 70 दिख रहे हैं तो वहीं क्या हो गए, हमारे 70S हो गए, समझ गए। तो 70S होने का मतलब कि इसमें कुछ ऐसा अमीनो एसिड है जो हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब तोड़ेंगे तो सब गिना जाएगा, सबको देखा जा सकता है, समझे। तो इस तरह से ये अमीनो एसिड का मतलब ये आरएनए का, ये आरएनए कह रहे हैं, ये राइबोसोम जो है 70S, इसका ये थ्योरी रहा। अब देखो इसी तरह से ये क्या है, ATS राइबोसोम, ठीक है। तो ATS राइबोसोम कहाँ मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल में। ATS कहाँ मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। और इसके भी कितने सब यूनिट होंगे, तो इसके भी दो सब यूनिट होंगे, इसके भी कितने इकाई होंगे, तो दो, ठीक है। इसके भी दो सब यूनिट होंगे, कौन कौन से, तो ये ATS है ना, तो इसका होगा तुम्हारा 60S प्लस 40S इज इक्वल टू 80S। आप देखो यहाँ पे 60S और यहाँ पे 40S, तो होना चाहिए कितना, 100 होना चाहिए ना, लेकिन हो कितना रहा है, 80। जैसे यहाँ पे बात बताई कि यहाँ पे कुछ है जो आपस में मिल जा रहा है, उसी तरह से ये भी जब आपस में मिलेंगे तो ये कुछ अमीनो एसिड आपस में क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने पे वो हम देख नहीं पाएंगे, समझ गए। तो इस तरह से हमारे राइबोसोम के दो टाइप हो गए, 70S कहाँ मिलेगा, प्रोकैरियोट में, ATS कहाँ मिलेगा, यूकैरियोट में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये 70S जो है ना, ये प्रोकैरियोट के साथ और एक जगह पे मिलता है, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S मिलता है, ठीक है। तो ये पूरा कहानी रहा हमारे राइबोसोम का, किसी को दिक्कत, चलो तो लिखना शुरू करते हैं।